डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में यूज ऑफ द और दी आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमने अ और एन का रूल पढ़ा है और हमने बहुत ही अलग टेक्निक के साथ वो पढ़ा है। मेरी आपसे विनती है, आपको वो रूल भी देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। और द इस आर्टिकल का यूज करते वक्त आपका कई बार कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा टेक्निक देने वाला हूँ, उस टेक्निक के माध्यम से आपका द इस आर्टिकल का कभी भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। दोस्तों, क्या आप यह सेंटेंसेस देख सकते हो? आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, और आगे मैंने लिखा है द मोबाइल इज ब्लैक। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ है? मैंने यहाँ पे तो अ मोबाइल लिखा है और आगे तो द मोबाइल आया है। इसी प्रकार आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है और नीचे मैं लिख सकता हूँ द अम्ब्रेला इज ब्लू। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? यहाँ पे तो एन अम्ब्रेला है और नीचे द अम्ब्रेला ऐसा क्यों आया है? यहाँ पे एक सेंटेंस आप देख सकते हो, माई सन वॉन्ट्स टू बाय अ बाइसिकल, लेकिन ऐसा मैं कब बोल सकता हूँ माई सन वॉन्ट्स टू बाय द बाइसिकल? ऐसे कई सारे रूल्स है। कैन यू आंसर अ क्वेश्चन और कैन यू आंसर द क्वेश्चन? यहाँ पे तो अ क्वेश्चन आया है और यहाँ पे द क्वेश्चन कैसे आया है? इसी प्रकार दोस्तों, मैं बोल सकता हूँ यस्टरडे आई ड्रैंक टी, लेकिन मैं ऐसा कब बोल सकता हूँ द टी वॉज वेरी नाइस, द टी वॉज वेरी हॉट? मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आई ड्रैंक अ टी, आई ड्रैंक द टी, लेकिन मैं ऐसा कब बोल सकता हूँ द टी वॉज वेरी हॉट? दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, लेकिन आगे मैंने लिखा है द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड। तो यहाँ पे द पुअर आया है और यहाँ पे आई एम द पुअर, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कौन से सिचुएशन में ऐसा बोल सकता हूँ? इसीलिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। दोस्तों, यह रूल बड़ा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूँ और आपका सब कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube चैनल पे देख रहे हो तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में टेक्निक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर फ्रॉम यू कैन स्पीक किट, यह प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी है और आपको हमारा हर कोई वीडियो सिक्वेंस वाइज ही देखना है। इसी प्रकार दोस्तों, हमने 5 दिन तक हमारे स्टूडेंट्स को लाइव क्लासरूम के जरिए पढ़ाया है, हमारे पढ़ाने का टेक्निक आप देख सकते हो और स्टेप स्टेप ही आगे जा सकते हो। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर आप हमारा यह वीडियो Facebook पेज पे देख रहे हो तो प्लीज 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 आपको हमारा पेज फॉलो करना है, शेयर करना है और हमारा वीडियो अंत तक देखना है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, एक डेफिनेट आर्टिकल इट मींस निश्चित उपपद, और दूसरा टाइप होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स इट मींस अनिश्चित उपपद। फिर से आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर निश्चित उपपद क्या है, अनिश्चित उपपद क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हमने अ और एन का रूल पढ़ा है, वह आपको देखना है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है यह निश्चित उपपद क्या होता है, हम यह कहां पे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, यहां पे यह मोबाइल इनडेफिनेट है, अनिश्चित है, मेरे पास वह मोबाइल है, लेकिन क्या आपको पता है मेरे पास कौन सा मोबाइल है? इसलिए मैं बोल सकता हूं आई हैव अ मोबाइल, इसके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन अ जिस किसी चीज को हमें लगाना है उसके आगे की चीज एक होनी चाहिए, वो इनडेफिनेट होनी चाहिए, वह कॉमन नाउन होनी चाहिए, और इसी प्रकार इस मोबाइल की शुरुआत यम की शुरुआत हम कॉन्सोनेंट से करते हैं और यह रूल हमने पढ़ा है। लेकिन सर, हमें तो द सीखना है और इसे डेफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं? डेफिनेट इट मींस निश्चित उपपद। अगर मैं आपको बोलता हूं आई हैव अ मोबाइल, क्या आपको पता है मेरे पास कौन सा मोबाइल है? मैंने तो आपको बोला मेरे पास एक मोबाइल है, लेकिन मुझे पता है मेरे पास कौन सा मोबाइल है, लेकिन आपको पता नहीं है, इसलिए वो अनिश्चित है, वो मोबाइल एक ही है। और अगर मैं आपको वही मोबाइल दिखाता हूं तो मैं आपको बोल सकता हूं द मोबाइल इज ब्लू, मैं और भी कई सारे सेंटेंसेस बोल सकता हूं, द मोबाइल इज ब्लैक, द मोबाइल इज वेरी नाइस, द मोबाइल इज कॉस्टली, क्योंकि मैं इसी मोबाइल के बारे में बोल रहा हूं। तो आपको ध्यान में रखना है, मैंने पहले सेंटेंस में आई हैव अ मोबाइल बोला है, लेकिन वही मोबाइल के बारे में अगर मुझे आगे बोलना है तो मैं द इस आर्टिकल का उपयोग कर सकता हूं। तो द से क्या हुआ है, यह मोबाइल निश्चित हुआ है, स्पेसिफाइड हुआ है, इसी मोबाइल के बारे में मैं बोलना चाहता हूं जो मेरे हाथ में है, जो मैंने आपको दिखाया है वहां पे जो पड़ा है, उस मोबाइल के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूं। तो इसीलिए द इस आर्टिकल को हम निश्चित उपपद बोलते हैं,
डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। सी नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूँ आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता है, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे पास कौन सा छाता है? अम्ब्रेला से पहले मैंने एन लगाया है और यह इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट इट मीन्स अनिश्चित। क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे पास कौन सा छाता है? छाते तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरे पास एक छाता है मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन आपके लिए वह अनिश्चित है, इसलिए इसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन अगले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है? द अम्ब्रेला इज ब्लू, वही अम्ब्रेला ब्लू कलर की है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होता है? देखो, अगर मेरे पास यह छाता है तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास एक छाता है, लेकिन अगर मुझे इसी छाते के बारे में आगे बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ द अम्ब्रेला इज ब्लू, वही अम्ब्रेला ब्लू है। तो मुझे यही अम्ब्रेला स्पेसिफाइड करनी है, इसी अम्ब्रेला के बारे में मैंने आगे के सेंटेंस में बोला है। लेकिन पहले सेंटेंस में आपको यह पता नहीं था मेरे पास कौन सी अम्ब्रेला है, कौन सा छाता है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में अभी आपको क्लियर हो गया यही अम्ब्रेला। तो अगर मुझे आगे और भी सेंटेंसेस इस छाते के बारे में बनाने हैं तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं द इस आर्टिकल से ही बोल सकता हूँ, क्योंकि द इस आर्टिकल से वह नाम ज़्यादा मैं स्पेसिफाइड करता हूँ, यह आपको ध्यान में रखना है। और इसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं बोलता हूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, क्या आपको पता है मेरे पास कौन सा पेन है? लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ द पेन इज ब्लैक, देखो इससे पहले आपको पता नहीं था मेरे पास कौन सा पेन है, लेकिन पहले सेंटेंस में मेरे पास कौन सा तो भी एक पेन है, लेकिन आगे के सेंटेंस में उसी पेन को मैंने द लगाया है। कितना सिंपल रूल है। तो द इस आर्टिकल से मैंने उस पेन को ज़्यादा निश्चित किया है, ज़्यादा स्पेसिफाइड किया है, इतना सिंपल रूल है। अगर मैं बोलता हूँ माय सन वांट्स टू बाय अ बाइसिकल, मेरे लड़के को एक साइकिल लेनी है, कौन सी भी एक साइकिल लेनी है, चलो कंसिडर करते हैं कौन सी भी एक साइकिल लेनी है, स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ माय सन वांट्स टू बाय द बाइसिकल, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने साइकिल स्पेसिफाइड की है, वही बाइसिकल उसे लेनी है। जब हम दुकान में जाके आते हैं और हमारे लड़के कभी कभी जिद करते हैं, नहीं नहीं पापा मुझे वही साइकिल लेनी है, महंगी है तो भी मुझे लेनी है, मुझे वही चाहिए, तो हम मना करते हैं। हम उनको क्या बोलते हैं? नहीं बाबा, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यह साइकिल लेनी है। लेकिन हमारे लड़के जिद करते हैं, लेकिन अगर वो जिद करते हैं तो आप क्या बोल सकते हो? He wants to buy the bicycle। लेकिन इस सेंटेंस में मुझे क्या बोलना है? वही साइकिल उसे लेनी है। लेकिन इस सेंटेंस में उसे कौन सी भी एक साइकिल लेनी है। तो the इस आर्टिकल से वो साइकिल ज्यादा निश्चित होती है, ज्यादा स्पेसिफाइड होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कैन यू आंसर अ क्वेश्चन, क्या आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, एक सवाल का जवाब दे सकते हो? ऐसा मैं आपको कब बोल सकता हूं? अगर मैं आपको पूछता हूं कैन यू आंसर अ क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन अभी भी स्पेसिफाइड नहीं है, मुझे भी पता नहीं है आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है। लेकिन जब आप राजी होते हो, ठीक है सर आप हमें कौन सा भी क्वेश्चन पूछो हम उसका आंसर दे सकते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगा और वो क्वेश्चन मैं यहां पे लिखूंगा। तो मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिखा है, अभी मैं आपको बोल सकता हूं कैन यू आंसर द क्वेश्चन, क्या आप मुझे इसी सवाल का जवाब दे सकते हो? देखो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे मैंने पहले बोला था कैन यू आंसर अ क्वेश्चन, इससे पहले वो क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं था, वो इनडेफिनेट था। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है तो मैं आपको बोल सकता हूँ कैन यू आंसर द क्वेश्चन, आप उसी क्वेश्चन का जवाब मुझे दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, कितना सिंपल रूल है। देखो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते है, अगर मैं बोलता हूँ यस्टरडे आई ड्रैंक टी, कल मैंने चाय पिया, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आई ड्रैंक अ टी और आई हैड अ टी, ऐसा क्यों नहीं मैं बोल सकता हूँ? क्योंकि खाने पीने से पहले हम ज़्यादातर आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आई ड्रिंक अ वाटर, मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि टी क्या है, वाटर क्या है, यह पदार्थक वाचक नाम है, मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ द टी वॉज वेरी हॉट, द टी वॉज वेरी टेस्टी, तो इससे आपको क्या पता चला? पहले सेंटेंस में मैंने आपको ऐसा बोला यस्टरडे आई ड्रैंक टी और आई हैड टी, कल मैंने चाय पिया, लेकिन आगे मैंने क्या बोला है द टी वॉज वेरी हॉट, द टी वॉज वेरी टेस्टी, द टी वॉज वेरी नाइस, तो टी से पहले मैंने द क्यों लगाया? क्योंकि मुझे उसी चाय के बारे में बोलना है।
तो इस सेंटेंस में मैं किस चाय के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं उसी चाय के बारे में बात कर रहा हूँ जो कल मैंने पिया था। कितना सिंपल है। तो यह रूल आपको ध्यान में रखना है द इस आर्टिकल से। हम वो चीज़ या नाउन ज़्यादा स्पेसिफाइड करते हैं, ज़्यादा निश्चित करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैं बोलता हूँ आई लाइक फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई लाइक द फ्लावर्स इन योर गार्डन, मुझे आपके बाग में जितने भी फ्लावर्स है वो मुझे अच्छे लगते हैं। ऊपर मैंने आर्टिकल नहीं यूज किया है, आई लाइक फ्लावर्स बोला है, आई लाइक द फ्लावर्स मैंने नहीं बोला है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ आई लाइक द फ्लावर्स इन योर गार्डन, तो जो फ्लावर्स है वो फ्लावर्स आपके बाग के है, आपके गार्डन के है, तो इसलिए मुझे वही फूल पसंद है। यह मुझे निश्चित करना है, स्पेसिफाइड करना है, इसीलिए मैं द इस आर्टिकल का यूज कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव लंच एट 1 PM, मैं 1 बजे दोपहर का खाना खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आई हैव अ लंच, आई हैव द लंच। लेकिन ऐसा कंसिडर करो, कल मैं आपके घर पे खाना खाने आया था, दोपहर को आया था, और आपके मामा ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ जो खाना कल मैंने आपके यहाँ पे खाया था, जो लंच किया था, आई लाइक द लंच, वही लंच, मैं उसी लंच के बारे में बोल रहा हूँ जो कल मैंने आपके यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे मैं द लंच बोल सकता हूँ। तो द से मैंने उस लंच को ज़्यादा निश्चित किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे द यूज़ कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देखते हैं। यस्टरडे शी कुक्ड फूड, कल उसने खाना बनाया। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ यस्टरडे माई मदर कुक्ड फूड, कल मेरी मामा ने खाना बनाया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ द फूड वॉज टेस्टी, वही खाना बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे तो द आर्टिकल नहीं है। लेकिन नीचे मैंने द क्यों लिखा है? क्योंकि द इस आर्टिकल से मैंने वही खाना जो मेरी मामा ने कल बनाया था वह मैंने ज़्यादा स्पेसिफाइड किया है, तो इसलिए दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई एम पुअर, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आई एम अ पुअर, मैं गरीब हूँ, तो यहाँ पे गरीब क्या है? यह विशेषण है, नाम के बदले जो ज़्यादा जानकारी देता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ? गरीब हूँ। और यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है ही इज रिच, वह अमीर है, तो यहाँ पे रिच क्या है? रिच यह एक एडजेक्टिव है, तो रिच ने ही के बारे में ज़्यादा जानकारी दी है, तो यहाँ पे पुअर और रिच क्या है? एडजेक्टिव्स है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड, तो यहाँ पे ऐसे कैसे पॉसिबल होता है? यहाँ पे तो द आया है और पुअर के आगे तो आर आया है। लेकिन ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, लेकिन आगे के सेंटेंस में मैंने क्या लिखा है? द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड। यहाँ पे द के आगे जो पुअर है, जो गरीब है, उन गरीब लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ जो हमारे गाँव में है, हमारे देश में है, हमारे जग में है, उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो द से क्या हुआ है? इनका एक समूह हुआ है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ द पुअर आर नॉट ऑलवेज सैड, हर गरीब हमेशा दुखी नहीं होता है। इसी प्रकार दोस्तों द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, हर कोई अमीर हमेशा खुश नहीं होता है। यहाँ पे द क्यों लगाया है मैंने? तो यहाँ पे रिच क्या है? वह अमीर लोग है जो हमारे गांव में है, हमारे देश में है, हमारे जग में है, उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो द से क्या हुआ है? आगे मैंने उनका ग्रुप किया है, तो द से ग्रुप भी बनता है, इसलिए यहाँ पे आर आया है। इन द सेम वे फ्रेंड्स, अगर मैं बोलता हूँ आई एम द फर्स्ट, मैं पहला हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मेरे क्लास में मैं पहला हूँ, यह ऑर्डिनल से, फर्स्ट से पहले मैंने द लगाया है क्योंकि फर्स्ट मैं ही हूँ और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ ही केम फर्स्ट इन द रेस, तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ ही केम द फर्स्ट इन द रेस। ऐसा क्यों है? इसके बारे में अगर आपको पता करना है तो आपको नाउन एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ आई एम द फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्या है? यह नाउन है, मैं हूँ, लेकिन कैसा हूँ? पहला हूँ। लेकिन यहाँ पे ही केम फर्स्ट, यह फर्स्ट केम के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, वो आया, लेकिन कैसा आया? पहला आया। लेकिन यहाँ पे आई एम द फर्स्ट, मैं हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ? पहला हूँ। यहाँ पे यह नाउन है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यही आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट से पहले मैंने यहाँ पे द लगाया है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई वॉच टीवी, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आई वॉच अ टीवी, क्योंकि
टीवी क्या है, यह एक मीडिया है, हमें ऐसा नहीं बोलना होता है आई वॉच अ टीवी। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ वहाँ पे वो डिब्बा पड़ा है, टीवी का डिब्बा पड़ा है, एक कैन यू रिपेयर द टीवी, तो मैं बोल सकता हूँ कैन यू रिपेयर द टीवी, क्योंकि मैं उस टेलीविजन के बारे में बोल रहा हूँ, जो डिब्बा जो बॉक्स वहाँ पे पड़ा है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे वो बॉक्स है और यहाँ पे क्या है, मीडिया है। तो इसलिए ऐसे कई सारे यूजेस होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आप सरनेम से पहले द नहीं लगा सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला है द से आप ग्रुप बना सकते हो। लेकिन सर ये ग्रुप कैसे बना सकते, अगर मैं बोलता हूँ वी लिव नेक्स्ट डोर टू द शिंदेज, वी लिव नेक्स्ट डोर टू द शिंदेज, द शिंदेज यह कैसे आ गए, क्योंकि शिंदेज क्या है, यह तो सरनेम है। आपने तो कभी आपके सरनेम से पहले द नहीं लगाया होगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ आई एम द शिंदे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन कंसिडर करो, अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ और हमारे बाजू में एक चौधरी की फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, उनको हर कोई पहचानता है, और अगर आपको मेरे घर पे आना है और अगर आप मुझे एड्रेस पूछते हो, तो मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ वी लिव नेक्स्ट डोर टू द चौधरीज। देखो मैंने आपको क्या बोला, वी लिव नेक्स्ट डोर टू द चौधरीज, तो चौधरीज के फैमिली के सामने ही हम रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो द इस सिचुएशन में हम लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट रूल देखने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, अंग्रेजी यह हमारी मातृभाषा नहीं है, यह फॉरेन लैंग्वेज है, और इसके रूल हमने नहीं बनाए हैं, हम उनके रूल्स के ऊपर चलते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंडिया इज वेरी बिग कंट्री, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ द इंडिया इज वेरी बिग कंट्री, लेकिन मुझे ऐसा ही बोलना चाहिए द यूएसए इज डेवलप्ड कंट्री। यूएसए यह डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा क्यों, यह भी एक देश का नाम है, इंडिया भी यह देश का नाम है, लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला है हमारी यह मातृभाषा नहीं है, इसके रूल्स हमने नहीं बनाए हैं। तो उनका ऐसा कहना है हम डेवलप्ड है इसलिए हमसे पहले द लगाओ। हमने कई सारे रीजन इकट्ठा किए और हमारा एक देश बना है, तो इसलिए हमसे पहले आप द लगाओ। तो क्या यह रूल आपको कबूल है? देखो अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला है तो हमें द लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे और भी रूल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं इससे आपको क्या पता चलता है, हमें और भी कई सारे एग्जांपल्स देखने हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। द आपको जिस किसी भी चीज़ को लगाना है उससे आप वो चीज़ ज़्यादा स्पेसिफाइड करते हो, ज़्यादा निश्चित करते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए है, इसी प्रकार दोस्तों नो वोवल्स नो कॉन्सोनेंट्स, द इस आर्टिकल में ऐसा टेंशन ही नहीं है, आगे की चीज़ की शुरुआत वोवल से होनी चाहिए या कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। इसी प्रकार सिंगुलर और प्लूरल का भी टेंशन नहीं होता है, मैं सिंगुलर से पहले भी द आर्टिकल लगा सकता हूँ और प्लूरल से पहले भी मैं द आर्टिकल लगा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आई लाइक द फ्लावर्स इन योर गार्डन, देखो मैंने आई लाइक द फ्लावर्स बोला है और मैंने यहाँ पे द मोबाइल बोला है। तो अ और एन इस आर्टिकल जैसा द में टेंशन नहीं होता है, और द से हम किसी नाम का, किसी जाति का या किसी प्रजाति का ग्रुप बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, द पुअर आर Not always sad, यहाँ पे the poor बोला है, it means मैं एक poor के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हमारे गांव में, देश में या इस जग में जितने भी गरीब लोग हैं उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए the से हम उनका group बना सकते हैं, प्रजाति बना सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों और एक important rule है, the बोलना है या the बोलना है कैसे consider करोगे, यह एक simple rule है। मैंने आपको यहाँ पे एक example दिया है, the best और the best, द बेस्ट बोलना है या दी बेस्ट बोलना है, द अर्थ बोलना है या दी अर्थ बोलना है, सिंपल रूल है, आपको ध्यान देना है। मुझे द बेस्ट ऐसा बोलना चाहिए, क्यों ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि बी क्या है, यह कॉन्सनंट है, जब मैं बी बोलता हूँ तो मुझे मेरे दोनों होठ चिपकाने पड़ते हैं, इसलिए यह कॉन्सनंट है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ द अर्थ, तो यहाँ पे ई क्या है, यह वॉवल है, तो इसलिए ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरे कंठ से आता है, तो इसलिए मैं दी बोल सकता हूँ। तो सिंपल रूल है, अगर द के आगे कोई भी चीज होती है, नाम होता है, उसकी शुरुआत अगर वॉवल से होती है तो आप दी बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे द अम्ब्रेला ऐसा बोला है और मैंने यहाँ पे द मोबाइल ऐसा बोला है, क्योंकि यहाँ पे यम क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए मैं द मोबाइल बोलूंगा या द मोबाइल बोलूंगा।
यम क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैं द मोबाइल बोलूंगा। और यहाँ पे मैं द अम्ब्रेला ऐसा क्यों बोलूंगा? क्योंकि यहाँ पे यू क्या है? बहुवल है। सिंपल रूल है। और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, द स्कूल बोलना है या द स्कूल बोलना है? मैं द स्कूल ही बोलूंगा क्योंकि यस क्या है? यह कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पे द ओल्ड स्कूल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ क्या है? यह वॉवल है। तो देखो ऐसे कई सारे रूल्स होते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं, उनसे पहले आप द लगा सकते हो। तो हम द और द इस आर्टिकल का रूल और भी आगे पढ़ने वाले हैं। आपको पेशेंस रखना है, कौन सी चीजें ऐसी होती है या नाम ऐसे होते हैं उनसे पहले आपको द या दी यह आर्टिकल लेना ही पड़ता है, इसके बारे में हम सोचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में ऐसे कई सारे वीडियोज है, लेकिन वहाँ पे 5 दिन तक का एक शेड्यूल है, देन आफ्टर टेक्निक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर, इसकी भी प्लेलिस्ट है, वो भी आपको देखनी है। और हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज एंड सिक्वेंस वाइज ही देखना है। मैं आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ कि यह हमारा थ्योरी का पार्ट है, लेकिन लाइव क्लासरूम में हम इससे भी कई सारे अच्छे टेक्निक्स हम हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं। तो आप 60 डेज अलॉन्ग विथ 4 बुक्स भी परचेस कर सकते हो, इसके बारे में अधिक जानकारी हम आगे प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह सोचना है द किन चीज़ों से पहले लेना ही पड़ता है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे ध्यान देना है, ओनली वन, इस जग में ओनली वन, सिर्फ एक ही है, अनेक नहीं है। उन चीज़ों को या नामों से पहले आप द या दी आर्टिकल लगा सकते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? देखो सन है, मून है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा है ताजमहल है, जग में एक ही है, तो उनसे पहले आप द लगा सकते हो, लेकिन प्रॉपर नाउन छोड़ के। अगर आप बोलोगे राहुल सर आप एक ही हो तो आपसे पहले आप द लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। यह ऐसी चीज़ें होती है वो एक ही है लेकिन प्रॉपर नाउन छोड़ के। इसी प्रकार दोस्तों जो डिरेक्शंस होती है, दिशाएं होती है, उनसे पहले आप द या दी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं द ईस्ट ऐसा बोल सकता हूँ, द वेस्ट ऐसा बोल सकता हूँ, जितने भी दिशाएं हैं उनसे पहले आपको द लेना है। इन द सेम वे इस दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, रिवर्स है, उनसे पहले आपको द लेना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ पे प्रवरा रिवर है, तो मैं प्रवरा रिवर ऐसा नहीं बोलूंगा, तो मैं द प्रवरा रिवर ऐसा बोलूंगा, द गंगा, द यमुना। देखो आपके गांव में या आजू बाजू में ऐसी कई सारी नदियां हैं, उनकी एक लिस्ट करो और उनसे पहले आप द ये आर्टिकल लगाओ। इसी प्रकार जितने भी सागर है, ओशियंस है, उनसे पहले आप द लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, द पैसिफिक, द इंडियन, देखो आप बोल सकते हो। इन द सेम वे फ्रेंड्स माउंटेन्स, जितने भी पर्वत है, फॉर एग्जाम्पल द एवरेस्ट, द हिमालयाज, आप ऐसा बोल सकते हो। तो जितने भी पर्वत है उनसे पहले आप द लगा सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी न्यूज़पेपर्स है, हमारे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, तो मैं सिंपली टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं बोलूंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया मैं ऐसा बोलूंगा। आपके घर में कौन सा अखबार आता है उससे पहले आप द लगाओ। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी इपिक्स है, महाकाव्य है, उनसे पहले आप द लगा सकते हो। महाभारत है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप बात करते हो तो उनसे पहले आपको द बोलना ही पड़ेगा। द रामायण, द महाभारत, द बाइबल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, द कुरान मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और जितने भी डेजिग्नेशंस होते हैं, पद होते हैं, मराठी में हम उसे हुद्दा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर नहीं, द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर नहीं, द चीफ मिनिस्टर। देखो कई सारे ऐसे डेजिग्नेशंस होते हैं। आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, आप बोल सकते हो। जब आपको उसको लेटर लिखना होता है तो आप लिखते हो टू द प्रिंसिपल, देखो कितना सिंपल है, टू द मैनेजर ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री आपको पता होगी, विशेषण का तीसरा फॉर्म होता है, हॉट हॉटर, द हॉटेस्ट, कूल कूलर, द कूलेस्ट, हैंडसम, मोर हैंडसम, द मोस्ट हैंडसम, देखो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, हम ऐसा बोलते हैं। तो हम द क्यों लगाते हैं? जब हम सुपरलेटिव डिग्री करते हैं तो आपको क्या कहना होता है, वह जो गुण है या क्वालिटी है वह सबसे बेस्ट है, इसीलिए आप उसे द लगा सकते हो। और वह क्वालिटी हम स्पेसिफाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास में राम सबसे टॉलेस्ट है, इट मीन्स सबसे ऊंचा है, उसके जैसा ऊंचा कोई नहीं है, तो वो जो उसकी क्वालिटी है सबसे बेस्ट है, तो
इसलिए आपको सुपरलेटिव डिग्री करते वक्त विशेषण के तीसरे फॉर्म से पहले द लगाना ही चाहिए। आई एम बेस्ट नहीं, आई एम द बेस्ट, ऐसा आप बोल सकते हो, क्योंकि गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं है, गुड, बेटर, द बेस्ट, ऐसा होता है। इसी प्रकार दोस्तों जो इन्वेंशंस है, इन्वेंशंस, फॉर एग्जांपल इंटरनेट का इन्वेंशन है, टेलीफोन का इन्वेंशन है, ऐसे कई सारे इन्वेंशंस है, उनसे पहले आप द लगा सकते हो। तो मैं द इंटरनेट ऐसा बोल सकता हूँ, द टेलीफोन यह इन्वेंशन है। देखो इन्वेंशन के बारे में जब मैं बोलता हूँ तो मैं द या दी लगा सकता हूँ। इसी प्रकार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनसे पहले आप द लगा सकते हो, द वायलिन, द पियानो, आप ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल डेवलप कंट्रीज के लिए, सम डेवलप कंट्रीज के लिए हम द लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल द यूएसए, द यूके, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लेकिन हर कोई कंट्री को आप द नहीं लगा सकते हो, सम पार्ट्स के लिए आप लगा सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल जो आइलैंड से, उनसे पहले आप द लगा सकते हो, द अंडमान एंड निकोबार पे, आप ऐसा बोल सकते हो, जितने भी आइलैंड से उनसे पहले आप द लगा सकते हो, क्योंकि जग में एक और एक ही है, इसीलिए। नेक्स्ट एग्जांपल जो डेजर्ट से, उनसे पहले आप द लगाओ, कितने सारे डेजर्ट से, क्योंकि इस दुनिया में वो एक ही है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, इस दुनिया में एक और एक ही है, उनसे पहले आपको द लगाना है, जैसे रिवर से, ओशियन से, माउंटेन से, लेक से, इससे पहले आपको द लगाना है। इसी प्रकार बिफोर फैमिली नेम्स, जब आपको ग्रुप दिखाना है, मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, वी लिव नेक्स्ट डोर टू द चौधरीज, वी लिव नेक्स्ट डोर टू द शिंदेज, मैं ऐसा कब बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था। इसी प्रकार जो ऑर्डिनल्स होते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, इनसे पहले आपको द लगाना ही होता है। तो आपको क्या करना है, और भी कई सारे रूल्स है, लेकिन यह इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो आपको एक लिस्ट करनी है। अगर आपको कोई नदी दिखती है तो उससे पहले आपको द लगाना है, अगर आपको कोई माउंटेन दिखता है उससे पहले आपको द लगाना है, इसे भी और भी कई ऑप्शंस है, लेकिन हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आप जितना डीप में जाने की कोशिश करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, ग्रामर सीखने के लिए यह इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आर्टिकल्स कहाँ पे यूज नहीं करने हैं इसके बारे में भी आपको सोचना है। लेकिन दोस्तों मैंने बुक्स में सब रूल्स आपको दिए हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, आपको लिस्ट करनी है, यह भी रूल आपको ध्यान में रखना है, और यह कुछ एग्जाम्पल्स है, यह आप लिख सकते हो, इनको बार बार पढ़ सकते हो, बोलने के लिए तथा किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको यह नॉलेज निश्चित रूप से काम आएगा। हमारा यह ऐप शेड्यूल परचेसिंग का डेमो वीडियो जरूर देखें। इस ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको वीडियोस मिलेंगे। यह सब डिवाइस एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल है। देयर आर टोटल चैप्टर्स। अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा, लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड, नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो, उससे बार बार देख सकते हो। और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद 4 प्रिंटेड बुक्स हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे। और गलती से यह ऐप आपसे डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप फिर से हमारे ऐप में लॉगिन कर सकते हो। हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं। अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट्स भी आपको मिल सकते हैं।